आप द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है किस उपभोक्ताओं को लेकर छूट के बारे में, किस तरीके का ये स्कीम है और उपभोक्ताओं को क्या लाभ होने वाले हैं इनसे? ये हमारे जो समस्त प्रकार के विद्युत उपभोक्ता हैं, जिसमें LMB 1 जिन्हें कि हम घरेलू कहते हैं, LMB 2 वाणिज्यिक, LMB 4 भी जो कि निजी संस्थान होते हैं, जो निजी नलकूप के उपभोक्ता हैं, हम जो औद्योगिक यानी LMB 6 के उपभोक्ता हैं, उनके लिए हमको भुगतान में छूट है। तो एकमुश्त समाधान योजना सरकार द्वारा लागू की गई है, जो कि इस बार 3 खंडों में लागू की गई है और इसकी अवधि 8/11/23 से दिनांक 31/12/2023 तक रखी गई है। और इस अवधि को 3 खंडों में विभाजित किया गया है कि दिनांक 8/11/23 से दिनांक 30/11/2023 तक प्रथम खंड है, द्वितीय खंड है दिनांक 1/12/23 से 15/12/23 और तृतीय खंड है 16/12/23 से 31/12/23 तक। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो प्रथम खंड में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको सबसे ज़्यादा ब्याज में छूट मिलेगी, और जो लोग दूसरे और तीसरे खंड में करवाते हैं उनको सबसे कम छूट मिलेगी। यानी जो प्रथम खंड में अपना पंजीकरण कराते हैं उनको 100% से लेके और 50% तक छूट की इसमें व्यवस्था रखी गई है। नियम ये है कि आपको जो निजी नलकूप के उपभोक्ता हैं उन पे जो 31/3/2023 तक का जो बकाया है उस पे जो विलंबवत भार लगा होगा उस पे छूट दी जाएगी, और बाकी श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं उनमें 31 अक्टूबर 2023 तक का जो बिल है उस पर जो ब्याज लगी होगी उस पर छूट दी जाएगी। पंजीकरण के लिए आपको अपना जो मूल बकाया है उसका 30% धनराशि जमा करके पंजीकरण कराना होगा, तथा शेष धनराशि जमा करने के लिए आपके पास अगर एक किस्त में जमा करते हैं पूरा आपका भुगतान किया जाता है तो आपको सबसे ज़्यादा छूट मिलती है। और यदि किस्तों का लाभ लिया जाता है, LMB 1 के उपभोक्ताओं में 12 किस्तें हैं, बाकी उपभोक्ताओं में 3/6 किस्तों की सुविधा दी गई है, तो उसमें छूट कुछ कम मिलती है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें जो चोरी के केस में राजस्व पकड़े गए हैं उनके राजस्व निर्धारण में भी इस बार छूट दी जा रही है। सर्वप्रथम उनको अपना जो भी राजस्व निर्धारण की नोटिस प्रेषित की गई है उनको अपना 10% जमा करके पंजीकरण कराना होगा, तथा शेष धनराशि का अगर प्रथम खंड में रजिस्ट्रेशन कराते हैं एकमुश्त जमा करते हैं तो 25%, और अगर किस्तों में जमा करना चाहते हैं तो 30%। इसी तरह अगर वो लोग दूसरे चरण में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 10% जो पंजीकरण चार्ज है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन राजस्व निर्धारण उनको 30% जमा करना पड़ेगा और किस्तों में 35% जमा करना पड़ेगा। तो ये हमारी OTS स्कीम है। इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से भी करा रहे हैं और बैनर पंपलेट के माध्यम से भी करा रहे हैं, पेपर में भी दे रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो ग्रुप में वो भी दिया जा रहा है, और लाउड स्पीकर से जगह जगह इसका प्रचार भी कराया जा रहा है। और जो भी नियम हम शर्तें हैं, हमारी कोशिश ये है कि आम जनमानस तक सारी नियम शर्तें ससमय पहुँच जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इसका लाभ दिया जा सके। सर, क्या नलकूप के अलावा घरेलू उपभोक्ताओं को भी इससे कोई लाभ होने वाला है? हाँ, जो बड़े बकायेदार हैं, जो घरेलू उपभोक्ता हैं, नलकूप के अलावा घरेलू उपभोक्ता जो हैं, जो वाणिज्यिक उपभोक्ता हैं, जो निजी संस्थान के उपभोक्ता हैं एवं जो औद्योगिक LMB 6 के उपभोक्ता हैं, और उनको भी इसमें छूट दी जा रही है नलकूप के साथ साथ। इसमें सभी लगभग सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को छूट इसमें दी जा रही है।